वानप्रस्थ सबके लिए आवश्यक माना गया। वानप्रस्थ में तपस्या का मार्ग है, तप करना, मौन रखना, शांत रहना, क्रोध को जीतना, परिग्रह से ऊपर उठना, संग्रह वृत्ति से ऊपर उठना, लोभ वृत्ति से ऊपर उठना, संतोष वृत्ति को अपनाना, अनुशासन को अपना करके आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अंतर लाना होता है। हाथों से खाली समय में सेवा करनी है, चलते फिरते जाप करना है। आप जहाँ भी रहेंगे तो ये कहा जाता है कि ज्ञान के अमृत का भोजन हर दिन होना चाहिए और आपकी साधना नित्य निरंतर चले। तो ये तो वानप्रस्थियों के लिए कहा गया है। उनके कान खुले रहेंगे, मोटी चमड़ी रहेगी तो सुनेंगे जरूर, भले ही उसमें निंदा क्यों ना हो, लेकिन अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहना है और तीन चीज़ों का अभ्यास करना है। क्योंकि जो संन्यास की तरफ जाते समय घोषणा की जाती है, वित्तेष्णा मया परित्यक्ता, लोकेष्णा मया परित्यक्ता, और उसी तरह से पुत्रेष्णा मया परित्यक्ता, मैंने जो है लोकेष्णा छोड़ दी है, मान सम्मान की कामना छोड़ दी है, धन की कामना छोड़ दी है, सांसारिक पारिवारिक मोह ममता छोड़ दिया, और उसके बाद फिर सन्यासी बनता है व्यक्ति। जब सन्यासी बनता है तो फिर सन्यासी होने में भी बड़ी मुसीबतें हैं कि अपना क्रियाकर्म खुद ही करता है आदमी। मतलब जो है ना, मरने के बाद कोई पिंड दान करेगा, कोई जो है वो अन्य विधियां करेगा, तो अपना खुद का श्राद्ध खुद ही करेगा आदमी, खुद ही का जो है वो पिंड दान करेगा। ये सब करने के बाद में फिर ये कहेगा, अब मैंने अग्नि के वस्त्र पहन लिए, आग्नेय वस्त्र, काषाय वस्त्र पहन लिए। काषाय वस्त्र पहन करके अग्नि जैसा कपड़ा पहन कर कहता है कि अग्नि स्नान कर लिया, अब मैं वो हो गया हूँ कि मेरे पास कोई रिश्ता नहीं सिर्फ भगवान के रिश्ते के सिवाय, और अपने अगर कोई हैं तो सारा संसार फिर मेरा अपना है, और मैं जिधर भी चलता हूँ हर दिशा मेरी है, हर देश मेरा है, हर दिशा मेरी है, हर स्थिति मेरी है, हर परिस्थिति मेरी है। तो उस समय अपने हृदय को और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मतलब सर्व से जोड़ना, पूरे संसार से जोड़कर व्यक्ति चलता है। तो साधु भारत में बहुत हैं, 65 लाख हैं जो रंगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, उनमें साधु लोग भी बहुत सारे हैं और नाटक वाले भी बहुत हैं, लेकिन वे भी लोग हैं जो सच में साधु हैं, जिनके पास सिद्धि है। ऐसे मौन सिद्ध किए हुए लोग भी हैं, योगरत भी हैं, सिद्ध साधक भी हैं, ज्ञानी ध्यानी भी हैं, और वे लोग भी हैं जो ऋषि परंपरा में जीवन जी रहे हैं। ज़्यादातर दिखावे वाले लोग जो है वो ही हम लोग देखते हैं, लेकिन जिनके पास में वास्तव में जीवन उनका साधु वाला हो गया, कुछ तो साधु हैं, कुछ साधु मना है। जो साधु मना है तो वो साधु जैसे मन वाले हैं, लेकिन उनका भेद साधु वाला नहीं है। तो अलग अलग तरह की वृत्ति वाले लोग जरूर हैं, लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि मार्ग तो यही है जिसमें आपको वीतराग होना चाहिए पड़ेगा, भय शोक से ऊपर उठना पड़ेगा, और ज़्यादातर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जैसा भोजन मिल गया स्वीकार, जैसी शैया मिल गई स्वीकार, हर स्थिति परिस्थिति के प्रति समर्पित और स्वीकार करने वाले बन जाएं, तो साधुता जो है उस समय सिद्ध होती है।